हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो रहेगी ये मैप से रिलेटेड रहेगी और इस मैप में ना हम ज्योग्राफी के जो जो इम्पोर्टेंट हैं वो सब डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं ऑलरेडी एक वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ जो हिस्ट्री से रिलेटेड थी, ठीक है। और ये हिंदी मीडियम में है, बाकी मैं इसे इंग्लिश में बताऊँगा क्योंकि देखो मैप है, नेम सेम रहते हैं, ठीक है। तो ये हम पक्षी अभयारण्य है यानी कि बर्ड सेंचुरी। तो सबसे पहले हम भरतपुर के बारे में हमें पता होना चाहिए, ये राजस्थान के अंदर है, ठीक है। आप अच्छे से एक एक चीज़ करिएगा। दूसरा हमको रंगाना थित्तू यानी कि जो हमारे कर्नाटक में है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है, ये बर्ड सेंचुरी है। उसके बाद आगे देखते हैं, फिर नेक्स्ट है भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो जो राष्ट्रीय उद्यान है, जो नेशनल पार्क है ना, उसके बारे में। तो देखिए पहला यहाँ पर हमें उत्तराखंड में कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ठीक है। राजस्थान में ही रणथंभौर है, ठीक है। उसके बाद आप ध्यान से देखेंगे तो मध्य प्रदेश के अंदर शिवपुरी और मध्य प्रदेश के अंदर कान्हा नेशनल पार्क, ये आपको दिख जाएगा। और जो मानस है ना, मानस ये आपका असम में है, ठीक है। और काजीरंगा भी जो है आपका असम में है, ठीक है। मैं स्टेट के नाम इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको वो भी याद रहे। उसके बाद जो सिमली पाल है ना, ये जो सिमली पाल है आपका, आप देख सकते हैं ये आपका उड़ीसा में है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए आपका जो चैप्टर है ना ज्योग्राफी में, उसमें आप देखेंगे कि आपकी जो चैप्टर है उसमें ना अलग अलग जो है वनस्पति के प्रकार दे रखे हैं, ठीक है। मतलब जो वेजिटेशन है ना उसके टाइप। तो पहला है यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यानी कि एवर ग्रीन फॉरेस्ट। तो जहाँ पर आप ग्रीन ग्रीन देख रहे हैं ना, तो वहाँ पर आपको एवर ग्रीन फॉरेस्ट दिख जाएगा। दूसरा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मतलब डेसिडस फॉरेस्ट। तो कहाँ का डेसिडस फॉरेस्ट है आपको ये ध्यान में होना चाहिए, आप पूरा मैप में देख सकते हैं। उसके बाद आपका है जो फॉरेस्ट जो है ना, फॉरेस्ट मतलब माउंटेन फॉरेस्ट है, तो जो पर्वतीय वन है वो आप देख सकते हैं किस कलर में है और यह आपको दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंग्रोव वन पर आ जाइए, जो मैंग्रोव वन है ना वो आपकी यहाँ पर है मैंग्रोव वन, ठीक है जी। उसके बाद आपका है उष्णकटिबंधीय कटीले वन, ठीक है। तो जो कटीले वन है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जो एक तरह का जो बैरन होता है ना इलाका, ठीक है, जहाँ मरुस्थल होते हैं, डेजर्ट होते हैं, ठीक है, तो उसके कुछ भागों में ही पाया जाता है। बाकी यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, राजस्थान तो बहुत बड़ा इलाका, गुजरात का बहुत बड़ा इलाका जो है वो कटीले वनों से है कवर। उसके बाद नेक्स्ट है आपका टॉपिक वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है, मतलब बायो रिजर्व है ना। तो आप देखेंगे कश्मीर में हमारा दाचीगाम, और उत्तराखंड में आप देखेंगे राजा जी, और जो राजस्थान है उसके अंदर सिरिस्का है। तो राजस्थान में तीनों आप याद रख लेना कौन कौन से जो भी मैंने आपको दिखाए थे, ठीक है। ये तीसरा है सिरिस्का और ये क्या है वन्य जीव अभयारण्य है। उसके बाद आपका ये जो बाउंड्री पर पड़ता है केरल की, कर्नाटक की, तमिलनाडु की, ठीक है, मुदुमलाई, ठीक है जी। तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं, बारिश के बारे में देख लेते हैं। देखो आप ये पूरा करेंगे ना तो आपका जो है टर्म सेकंड है ना, तो उसमें ज्योग्राफी के सारे मैप कवर हो जाएंगे, ठीक है। और हिस्ट्री का भी आप ज़रूर देख लेना, बाकी मैंने बहुत सारे ना प्रैक्टिस पेपर भी बना दिए हैं, ठीक है, जो दिल्ली के जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, ठीक है, टर्म सेकंड की प्रिपरेशन करने के लिए। अगर दिल्ली के बाहर के स्टूडेंट देख रहे हैं तो अगर उनका NCERT ही फॉलो होता है और CBSE की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, ठीक है, तो आपके लिए भी यूज़फुल हो सकता है, ठीक है जी। और बाकी सारे प्रैक्टिस पेपर देख लेना, मैथ्स का, इंग्लिश का, जो भी मैंने बना रखे हैं, ठीक है। उसके बाद रेन पर आ जाइए, वर्षा पर आ जाइए, ठीक है। जहाँ 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है ना, वो आपका ये वाला इलाका है। तो आपको पता होना चाहिए कि चेरापूंजी में जो मौसिन राम है ना, भारत में सबसे ज़्यादा बारिश होती है असम के अंदर, ठीक है। भी बारिश तो होती है, मतलब असम के अंदर बारिश भी तो होती है, लेकिन अगर आपसे पूछेगा ना 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश, तो हम मौसिन राम का नाम जरूर बताना, ठीक है। और जहाँ 20 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है ना, 20 सेंटीमीटर, तो राजस्थान का नाम आप जरूर बताना, ठीक है।
समझ में आ गया आपको। तो ये वर्षा का हो गया, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट। तो देखिए भारत की जो प्रमुख नदियाँ और झीलें हैं ना, तो नदियाँ कौन कौन सी हैं, भारत की झीलें कौन कौन सी हैं, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। देखो ये सिंधु नदी है जो भारत से किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ जा रही होती है। इसकी पांच सहायक नदियाँ भी आपको पता होनी चाहिए, कौन कौन सी पांच सहायक नदियाँ होती हैं, सतलुज, रावि, ब्यास, चिनाब, झेलम, ठीक है। तो सतलुज नदी आप देख सकते हैं बनी हुई है। और जो भूल और झील है ना कश्मीर के अंदर, मीठे पानी की झील है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। और गंगा नदी आप देख सकते हैं किस तरीके से यात्रा कर रही है, जा रही है, ठीक है। और ये खारे पानी की झील है सांभर झील राजस्थान के अंदर। उसके बाद ये नर्मदा झील है, नर्मदा नदी है, तापी नदी है, ठीक है। तो गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, पुलकित झील और ये आपकी चिल्का झील, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और दिल्ली सरकार के द्वारा सभी आपके लिए इतना कुछ किया जा रहा है, आप खूब प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। उसके बाद झीलें हैं, ये जो है ना ये भूलर झील, अभी हमने मैंने आपको बता दी थी सांभर झील, ठीक है। उसके बाद ये जो है आपकी, ये है आपकी चिल्का झील, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ चिल्का झील जो है ना आपकी, ये पड़ेगी उड़ीसा में, ठीक है जी। सुन रहे हैं मेरी बात, आपको ना सब राज्य के जितने भी राज्य हैं उनकी बारे में पता होना चाहिए, पूरे इंडिया के मैप में कौन कौन से राज्य कहाँ पर है, आपको सब राजधानियाँ पता होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। तो और आपके उसके बाद जो है ये आप देख सकते हैं, ये आपका आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये सारे के सारे मैप बता दिए, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आराम से इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें, ठीक है। और खूब अच्छे से मेहनत करें, खूब पढ़ाई करें, मन को ना बिल्कुल भी हल्के में मत लेना दें कि भाई पास होना है खाली, पास से बात नहीं बनेगी, कंपटीशन बहुत है। अगर आगे बढ़ना चाहते हैं कुछ तो खूब मेहनत कीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो अभी आज के लिए इतना बहुत है, और बाकी मैं और भी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मेरा भी कुछ कंट्रीब्यूशन आपकी पढ़ाई में हो, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इसी उम्मीद के साथ आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।